गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेटा ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, कि आपकी जो वर्कबुक में बेटा जो पहले से एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं उन्हें आप किस तरीके से ओपन कर सकते हो। द वर्कबुक यू क्रिएटेड इन एम एस एक्सेल आर सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल ऑन योर कंप्यूटर। जो भी आप वर्कबुक क्रिएट करते हो बेटा अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर एम एस एक्सेल के अंदर, वो किसकी फॉर्म में सेव होती है बेटा, फाइल की फॉर्म में सेव होती है। When you want to edit or see a workbook again, अगर आपको कोई भी workbook दोबारा से देखनी होती है तो आपको क्या करना होता है, उसे open करना होता है। तो to open a saved workbook, अगर आपने कोई भी workbook save की हुई है तो उसे अगर आप open करना चाहते हो तो कुछ steps follow करने होते हैं। सबसे पहला step है बेटा click the file type। सबसे पहले आप file type के ऊपर click करते हो, क्लिक द ओपन ऑप्शन, उसके अंदर बेटा आप क्या करते हो, ओपन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो। ठीक है, तो जो ओपन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आपका वो क्या हो जाता है, आपको अपीयर हो जाता है। सिलेक्ट द फाइल, उसके अंदर से बेटा आपको अपनी फाइल को सिलेक्ट करना होता है एंड क्लिक द ओपन बटन, और आप उसके बाद क्या करते हो बेटा, ओपन बटन के ऊपर क्लिक करते हो। जैसे ही ओपन बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी जो फाइल है बेटा वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। एक यहाँ पे नोट भी गिवन है बेटा, यू कैन ऑल्सो ओपन योर फाइल डायरेक्टली बाय क्लिकिंग इट्स नेम फ्रॉम रिसेंट वर्कबुक लिस्ट। अगर आप बेटा डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, अपनी फाइल को ओपन कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप फाइल टाइप के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको रिसेंट वर्कबुक नाम से एक लिस्ट ओपन होती है, डायरेक्टली आप वहाँ से भी अपनी वर्कबुक ओपन कर सकते हो। उसके बाद बेटा एग्जिस्टिंग एग्जिटिंग फ्रॉम ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बेटा आप किस तरीके से एग्जिट करते हो। तो After completing your work, you need to close the Microsoft Excel. जैसे ही आपका काम ख़त्म होता है तो आप क्या करते हो बेटा, एम एस एक्सेल को क्लोज करते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लोज करना हमारे करना चाहिए। सो टू क्लोज और एग्जिट, अगर हमें क्लोज या एग्जिट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्लिक द फाइल टाइप, सबसे पहले हम फाइल टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक एग्जिट ऑप्शन, उसके अंदर से हम क्या करेंगे बेटा, एग्जिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एग्जिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या हो जाता है बेटा, ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। या फिर एक और तरीका है बेटा, यू मे ऑल्सो एग्जिट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाई क्लिकिंग द क्लोज बटन। या क्या कर सकते हो बेटा, आप डायरेक्टली क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो भी आपका क्या हो जाता है, आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से एग्जिट कर जाते हो। ठीक है, अब मैं आपको ये दोनों टॉपिक्स प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। देखो बेटा, ये आपका एम एस एक्सेल है, इसके अंदर बेटा हमने जो पहले फाइल बना रखी है मैं उसे ओपन करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने फाइल टाइप के ऊपर क्लिक किया तो रिसेंट डॉक्यूमेंट में मैंने जितनी भी फाइल क्रिएट की है मुझे यहाँ पे ओपन हो गई। ठीक है, मैं सिंपली उन फाइल्स के ऊपर क्लिक करके भी क्या कर सकती हूँ, अपनी फाइल को ओपन कर सकती हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो मेरी जो क्लास 5 नाम से जो भी फाइल बनी होगी तो वो यहाँ पर क्या हो जाती है बेटा, ओपन हो जाती है। ठीक है, सेकेंड क्या था बेटा आपका, कि स्टेप्स थे, सबसे पहले आप फाइल टाइप के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद ओपन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। ओपन ऑप्शन के अंदर क्या होती है बेटा, आपको जितनी भी फाइल्स आपने क्रिएट की हुई हैं बेटा वो सारी आपको यहाँ पे क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। या तो आप इस लिस्ट के अंदर से चूज़ करो या फिर आप सिंपली क्या करो, उस फाइल का नाम यहाँ पर टाइप कर दो। ठीक है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, उस फाइल का नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे ही आप टाइप करते हो तो आपको वो फाइल का नेम ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है और आप क्या करोगे, ओपन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही ओपन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी फ़ाइल क्या हो जाती है बेटा, आपको ओपन हो जाती है। ठीक है, ये भी एक तरीका है बेटा आपका फ़ाइल ओपन करने का। उसके बाद जो आपका एक और टॉपिक है, उसके बाद आपका टॉपिक था बेटा कि आप अपने जो एम एस एक्सेल है उससे बेटा एग्जिट किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया है, अब हम इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से एग्जिट करना चाहते हो। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो बेटा, डायरेक्टली आप क्या करो, या तो यहाँ से क्लोज बटन होता है आपका, क्लोज बटन के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लोज हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले फाइल टाइप के ऊपर क्लिक करो, यहाँ से आपको एग्जिट ऑप्शन मिलता है बेटा, एग्जिट ऑप्शन। जैसे ही आप एग्जिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो, एग्जिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका एक्सेल क्या होता है बेटा, क्लोज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से एग्जिट कर सकते हैं। तो आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।